to Roving Camera with me, Rashika Gangwani. I bring you the highlights of the events that took place in the Parliament last week. On 6 September, Lok Sabha Speaker Om Birla started the Fit India movement in the Parliament House complex in the presence of several union ministers, members of Parliament and other dignitaries. Lok Sabha Speaker Om Birla led the participants for the run around the Parliament House. Jal Shakti Minister Gajendra Singh Shekhawat, Minister of State for Youth Affairs and Sports Kiran Rijiju, Minister of State for Parliamentary Affairs Arjun Ram Meghwal, Minister of State for Finance and Corporate Affairs Anurag Singh Thakur and several other members of Parliament took part in the run. Secretary General Lok Sabha, officers and staff of the Parliament also participated in the event. Thereafter, the yoga instructors briefed the participants about free hand exercises and yoga. All the participants performed various yoga asanas in the yoga session. हम लोग शुरू करेंगे पहले गर्दन से दोनों हथेलियों को जरा कमर के ऊपर रखें और धीरे-धीरे गर्दन को आप बाईं ओर घुमाएं पीछे देखें फिर धीरे-धीरे दाईं ओर घुमाएं राइट साइड ट्विस्ट करें जरा राइट ट्विस्ट करें पीछे देखें अब जरा हेड को सेंटर में ले आएं बीच में आ जाएं हेड को जरा ऊपर उठाएं सामान्य रूप से आसमान को देखें अब कमर से वेस्ट से आप लेफ्ट साइड बाईं ओर झुक जाएं कमर से ऊपर वाले हिस्से को झुका दें ऑन दिस ओकेशन ओम बिरला सेड दैट योगा हैड ऑलरेडी बिकम अ पार्ट ऑफ पीपल्स रूटीन ऑल ओवर द वर्ल्ड सिंस द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा स्टार्टेड ऑन द इनिशिएटिव ऑफ इंडिया ही कॉल्ड दैट फिट इंडिया मूवमेंट should become a people's movement and that the message should go out that India is a fit nation. संसद में आने वाले माननीय सदस्यगण जो 130 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं वहां की जनता का नेतृत्व करते हैं उस कारण माननीय सदस्यों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वह अपनी जनता को तन से मन से शरीर से स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित करें और आज ही ये आंदोलन बनता जा रहा है आज दुनिया में कहीं चले जाओ हर देश के अंदर योग दिवस के रूप में योग कई देश की दिनचर्या बन चुकी है और ये दिनचर्या बनाने का मूवमेंट भी आंदोलन भी इस भारत की धरती से शुरू हुआ और फिट इंडिया मूवमेंट आंदोलन इस देश की जनता के द्वारा जब शुरू होगा तो पूरे विश्व में एक संदेश जाएगा कि भारत एक सबसे स्वस्थ देश है तो मुझे लगता है कि दुनिया भी इसका अनुसरण करेगी इसलिए इस विश्व के अंदर भारत सबसे बड़ा देश है इस कारण हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि विश्व के अंदर हर शुरुआत भारत से हो इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यगणों से आग्रह है कि वह अपने-अपने क्षेत्र के अंदर इस आंदोलन को शुरू करें और कोशिश करें कि मेरी जनता सबसे ज्यादा स्वस्थ है यह प्रतिस्पर्धा हर लोकसभा क्षेत्र में होना चाहिए मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू हु पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट सेड दैट द पार्लियामेंट गिव्स अ मैसेज दैट ओनली अ हेल्दी नेशन कैन बिकम अ स्ट्रांग नेशन वी कैन रिमेन फिट बाय इंक्लूडिंग सिंपल चेंजेस इन आवर लाइफस्टाइल एक्सरसाइज रिजुविनेट आवर लाइव्स which not only makes us healthy, but also leads towards the holistic development of the country. ये symbolic है भारत का जो हमारा parliament है, यहाँ का संदेश पूरा देश भर में जाएगा। अगर हम fit नहीं है, तो देश तंदुरुस्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने fit India movement का कार्यक्रम का रचना किया और बहुत धूमधाम के साथ इसको हमने launch किया था। और उसके बाद जो
अलग-अलग क्षेत्र से मुझे देखने को मिला पिछले 3-4 दिनों के अंदर में, चाहे वो स्कूलों में, कॉलेजों में, अलग-अलग संस्थाओं में, प्राइवेट जो कंपनीज है, फर्म्स है, हर जगह एक अलग से एक जागरूकता पैदा हुआ है। तो मुझे लगता है कि पहले हम लोग भी विश्व का एक बड़ा देश के रूप में, विश्व का एक सदस्य के रूप में हम लोग जाने जाते थे भारत, अब विश्व का नेतृत्व करने का क्षमता रखता है भारत। तो इस चीज़ को नेतृत्व करना है तो हर क्षेत्र में करना होगा, और प्रधानमंत्री जी ने जो लक्ष्य हम सब के सामने में रखा है, और 2022 तक बहुत कुछ लक्ष्य सामने में रखा है, उसमें से मैं मानता हूँ ये फिट इंडिया मूवमेंट भी बहुत ही अहम हम लोगों के लिए एक ये मुहिम है। लोकसभा स्पीकर एडमिनिस्टर्ड द फिट इंडिया ओथ टू द पार्टिसिपेंट्स। मैं अपने परिवार और आसपास के लोगों में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करूंगा। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए हर संभव प्रयत्न करूंगा और अपने परिवार को प्रेरित करूंगा। अपनी क्षमता के अनुसार पैदल चढ़ने, दौड़ने, योग और खेल की गतिविधियों में हिस्सा लूंगा। हर सप्ताह व माह के लिए शारीरिक सक्रियता का एक लक्ष्य तय करूंगा और उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा। खान पान को लेकर सजग रहूंगा, पौष्टिक भोजन को अपने आहार में शामिल करूंगा, धूम्रपान और नशे से दूर रहूंगा और दूसरों को दूर करने के लिए प्रेरित करूंगा। पहला सुख निरोगी काया की अवधारणा को मानते हुए समय पर सोने, जागने और खाने की स्वस्थ जीवन शैली को अपनाऊंगा। मुझे विश्वास है कि स्वस्थ जीवन शैली की और बढ़ाया गया मेरा कदम मेरे परिवार, मेरे समाज और देश को स्वस्थ बनाने में कारगर साबित होगा। Conceived and inaugurated by the Prime Minister Narendra Modi on the occasion of National Sports Day on 29th of August 2019, Fit India Movement pays tribute to one of India's greatest sportsperson, Major Dhyan Chand. It seeks to launch a people's movement in order to make India a fit and healthy nation. On 7 September, Lok Sabha Speaker Om Birla inaugurated the North East Students Festival 2019, organized by My Home India at Jawaharlal Nehru Stadium in New Delhi. On the eve of the 94th birth anniversary of Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika, Northeast Students Fest 2019 was organized at Weightlifting Auditorium, Jawaharlal Nehru Stadium on 7th of September. The Northeast Festival was organized to reduce the regional gaps and to celebrate the essence of Northeast India. The festival highlighted the positive aspects of the region, so full of talent, resource and success stories. Speaking as the chief guest at the cultural program organized by the My Home India, Lok Sabha Speaker Om Birla said that Northeast is one of the most beautiful places of India. The unique cultural heritage of the region, organic farming, tourism and abundant mineral resources make it special for the development of the country. आप जिस क्षेत्र से आते हो वह क्षेत्र इस देश और दुनिया का सबसे खूबसूरत इलाका है। जिस इलाके के अंदर जहाँ हमारा पर्यटन है, जहाँ हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जहाँ हमारी जैविक खेती है, जहाँ अमूल्य खजाना है, उस धरती से आप आते हैं।
और आप सभी विद्यार्थियों को मैं बरसों से अनुभव करता हूं। जब युवा मोर्चा में काम करते थे, जब भी मैं देखता था, और आज भी जब विद्यालय और विश्वविद्यालय में जाता हूं, आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो दूर दराज गांव से चलकर यहाँ शिक्षा अध्ययन करने आए हैं, और जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिस इलाके में रहते हैं, जिस विद्यालय के अंदर रहते हैं, महाविद्यालय में रहते हैं, या किसी भी टेक्निकल एजुकेशन के अंदर जहाँ पढ़ते हैं, आप वहाँ पर अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं, शिक्षा के रूप में भी, और शिक्षा के अलावा आप विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से इन 8 राज्यों के इस अनुरूप छटाओं में जहाँ मनोरम उत्सव रहता है, वहाँ अपनी सांस्कृतिक विरासत को संपूर्ण देश में फैलाने का काम करते हैं। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों के सभी विद्यार्थियों ने अपनी अपनी सांस्कृतिक विरासत को यहाँ प्रस्तुत किया है। इन संपूर्ण सांस्कृतिक विरासत में संपूर्ण भारत को एक करने का आप काम कर रहे हैं। आप जहाँ पर उन सीमाओं के नज़दीक भी बैठे हैं जहाँ भारत की सीमा की सुरक्षा का काम भी करते हैं, और संपूर्ण देश के अंदर अपनी कला, अपनी सांस्कृतिक विरासत और अच्छी शिक्षा के माध्यम से देश सेवा और समर्पण का काम भी कर रहे हैं। We'll take a short break here and be right back on the other side. Welcome back to Roving Camera, a program that highlights the events that took place in the Parliament last week. On September 7th, President Ramnath Kovind inaugurated the National Youth Summit. The function was organized by Pavan Chintan Dhara Charitable Trust at Vigyan Bhavan in New Delhi. Union Minister for Human Resource Development Ramesh Pokhriyal Nishank, Minister of State for Youth Affairs and Sports Kiran Rijiju, and several other dignitaries were present at the occasion. Pavan Chintan Dhara Charitable Trust was founded by Sri Guru Pavanji on February 17, 2010. It is an organization devoted to the promotion and publicity of functional spirituality, service to the nation and knowledge of India. Ashram has contributed in the field of education, development of both mind and body of children, personality development, environment, social equality, understanding of the scriptures and meditation techniques. Speaking on the occasion, the president said that today's India is full of youth power. Our youth have immense talent and energy. This talent and energy needs to be properly developed and utilized. 800 million youth of our country, with their creative power, can take India to new heights of progress and human civilization. The president said that we have to work for the betterment and welfare of ourselves, society and country. The role of education is the most important in awakening the right vision and prudence to achieve this objective. राष्ट्र निर्माण के कार्य में युवाओं को प्रेरित करने में समाज की मनीषियों और चिंतकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये मनीषी और चिंतक युवा शक्ति के लिए सदैव प्रेरित होते हैं, उनके रोल मॉडल होते हैं। सामान्य तौर पर ये रोल मॉडल समय समय पर देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलते भी रहते हैं, लेकिन कुछ रोल मॉडल ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते, और ऐसे ही एक रोल मॉडल जो कालजयी रोल मॉडल हैं, स्वामी विवेकानंद। आज का भारत युवा शक्ति से भरपूर है। देश की 65% जनसंख्या, लगभग 80 करोड़ युवा अपनी रचनात्मक शक्ति के बल पर हमारे देश को प्रगति की, मानव सभ्यता की नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। हमारे युवाओं में असीम प्रतिभा और ऊर्जा है।
इस प्रतिभा और ऊर्जा का समुचित विकास और उपयोग किए जाने की जरूरत है। इस दिशा में प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं और इन प्रयासों के परिणाम भी सामने आने लगे। ज्ञान विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर खेल के मैदान तक भारत के बेटे बेटियां विश्व समुदाय पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। खेलों से दूरियां घटती हैं और अनुशासन की सीख भी मिलती है। इस देश को अनुशासन, अपनत्व, आत्मनियंत्रण और खेल भावना के गुणों से युक्त बेटे बेटियों की बहुत आवश्यकता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प रखने वाले युवाओं की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि पावन चिंतन धारा आश्रम ऐसे युवाओं को तैयार करने का प्रयास कर रहा है। विचार तो बहुत सारे लोगों के पास होते हैं, मन भी बहुत सारे लोगों का होता है, लेकिन उस मन को, उस विचार को धरती पर क्रियान्वित करने की जो लालसा होती है, ललक होती है, जो संकल्पना होती है, जो संकल्प होता है, वो कुछ लोगों में होता है। उसमें भी कुछ लोग सोचते हैं, करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर अच्छे काम में हर कदम पर बाधा आती है और कुछ लोग आगे तक चल करके उन बाधाओं को पार नहीं कर पाते हैं, उन समस्याओं का सामना नहीं कर पाते हैं। वो जो मन के अंदर एक भावनाओं का उबार है, वो संकल्प की ताकत को पकड़ नहीं पाता है, तो बहुत सारे लोग चाहते हुए भी थोड़ा सा आगे बढ़ करके फिर उस यात्रा को वहीं ख़त्म कर देते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मन में ठान लेते हैं तो जीवन और मरण के प्रश्न पर उस चुनौती का मुकाबला करके उसको अवसरों में तब्दील कर देते हैं, और इनकी ज़रूरत है, ऐसे युवा की ज़रूरत है। आज विवेकानंद जी ने कहा था कि आप सबको मालूम है, और मुझे लगता है मेरे युवाओं को ज़रूर और ज़रूर करके विवेकानंद जी को पढ़ना चाहिए। उनमें आग है अंदर से, उनमें विपरीत परिस्थितियों में भी रास्ता निकालने का दम है, उनकी बातों में, उनके शब्दों में, उनके काम में, उनके व्यवहार में, उनके विजन में, उनके मिशन में। कौन सा कठिन काम हो सकता है जो हम पूरा नहीं कर सकते हैं। दुनिया में आपने देखा होगा जहां जहां क्रांति लाए हैं, कहीं भी किसी भी देश में आपने इतिहास में पढ़ा होगा, बड़ा देश जो आज दुनिया को एक तरह से राज्य करते थे या आज संचालन कर रहे हैं, वहाँ बदलाव कैसे आया, चाहे वो अमेरिकन रेवोल्यूशन हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, चाइनीज रेवोल्यूशन हो, रशियन रेवोल्यूशन हो, अलग अलग देशों में क्रांति आए हैं, और क्रांति आने के बाद देश महान बना है। और क्रांति कहाँ से पैदा होता है? उस देश के काम करने वाले जो वर्ग हैं या उस देश के जो युवा वर्ग हैं, उनके मन में जब बदलाव का सोच आता है तो किसी भी देश में क्रांति आता है। हमारे देश में जो मैंने करीबी से देखा है और मैंने जो समझा है, हमारे यहाँ कोई सिस्टम को बदलने के लिए, नेतृत्व को बदलने के लिए जो हमारे यहाँ बनी हुई व्यवस्था है, उसके प्रति क्रोध है, आक्रोश है, या उसको पूरा नया सिस्टम लाने के लिए यहाँ क्रांति ला रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्रांति जरूर अभी देश में आए हैं। ये क्रांति जो है भारत देश को महान बनाने के लिए क्रांति है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में आज जो बदलाव आया है, मैं तो इसको एक क्रांति मानता हूं। ये अलग प्रकार का क्रांति है। जो क्रांतियां हमने देखा है दूसरे देशों में, वो नेतृत्व को बदलने के लिए या पूरा सिस्टम को बदलने के लिए, और जो हमारा देश में जो नया क्रांति लाए हैं वो देश को मजबूत बनाने के लिए, इसी सिस्टम में ही हमको इस देश को और मजबूत बनाना है, ये क्रांति देखा है। और ये क्रांति जो है युवाओं के अंदर में जो जोश है, इसी की वजह से ये लाए हैं। On September 6th, a Nagrik Abhinandan function was organized by Rajasthan Association for welcoming Lok Sabha Speaker Om Birla at Hura Confection Center in Faridabad, Haryana. Industry Minister Haryana Government Vipul Goyal and several other dignitaries were present at the occasion.
A reception and greeting ceremony was organized by Rajasthan Association of Huda Convention Center, Faridabad, in honor of Lok Sabha Speaker Om Birla, who graced the occasion as the chief guest. Speaking on the occasion, the Lok Sabha speaker said that Rajasthani people spread all over India are very hardworking and always endeavor for the development of the society wherever they live. He also said that Rajasthani people are always involved in philanthropic work and the upliftment of the society. Rajasthan ki dharti veeron ki dharti bhi hai, tyag aur tapasya samarpan ki dharti bhi hai. वहाँ के लोगों के उद्योगपति व्यापारियों ने देश में उद्योग व्यापार चलकर राजाओं के राज के भामाशाह के संस्कार भी राजस्थान के हैं तो राजस्थान की धरती बहुआयामी प्रतिभाओं की धमी है और आप सब लोग भी यहाँ पर कई मूल राजस्थान के हैं यहाँ पर आकर उद्योग व्यापार चलाकर दोहा लोगों को हाथों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं हम सबकी एक मंशा है कि भारत देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था हो भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर हो मजबूत हो और उस अर्थव्यवस्था के माध्यम से हम विश्व के अंदर निर्यात कर कर भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का भारत बन सके और उस अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में आप सबका सहयोग है और आज जब सारे विश्व की वैश्विक स्तर पर हम देखते हैं हमें लगता है अगर भारत को मजबूत होना है तो हमें एक मजबूत स्थिर अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है ताकि हम 5 ट्रिलियन अमेरिका डॉलर की अर्थव्यवस्था बनकर भारत विश्व में सबसे बड़ा देश बन सके हर उद्योगपति व्यापार को लगना चाहिए कि सरकार उनके साथ खड़ी है संसद उनके साथ खड़ी है देश की 130 करोड़ जनता के संसद में प्रतिनिधित्व करने वाला हर व्यक्ति चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो अलग अलग दल और विचारधारा का हो लेकिन इस देश के उद्योगपति व्यापारियों के साथ खड़ा है क्योंकि इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें देश के अंदर उद्योग व्यापार को आगे बढ़ाना होगा उद्योग व्यापार को मजबूत करना होगा देश में निर्यात को बढ़ाना होगा ताकि हम गांव से शहर में सभी जगह रोजगार के नए सृजन का काम भी कर सकें और भारत की आर्थिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था को मजबूत अर्थव्यवस्था बना सकें With that, we come to the end of this edition of Roving Camera. Join me next week for all the news in and around Parliament. Thank you for watching.